हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास battle.net में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर वन, आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कर ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट हो गया है, इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप यहाँ पर ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर टू, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर थ्री, आपको जो है एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है। अगर आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आप विंडोज़ का डिफेंडर जो है टर्न ऑफ कीजिए, जैसे कि अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन एनेबल है, तो आप इसको डिसेबल कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन को भी आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर फोर, आपको रन कमांड ओपन करना है। शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सारे टेम्पररी फाइल्स शो हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारे टेम्पररी फाइल्स को आपको सेलेक्ट कर डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गए हैं। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर फाइव, ये लास्ट मेथड है दोस्तों। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप ये मेथड को ट्राई कर सकते हैं। आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं battle.net, अगर आपके पास यहां पर शो नहीं हो रहा तो आप सर्च बार में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, battle.net एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से battle.net एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी में। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।